हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, मैं हूं अंकिता। तो आज का वीडियो होने वाला है ऑफिस मेकअप लुक या कॉलेज मेकअप लुक पे। इसको रिक्वेस्ट किया है सुप्रिया राज ने। और हाँ, इस वीडियो में मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला है जिसमें मेरे एक छोटे से सब्सक्राइबर है सौम्या, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था चिल्ड्रेन मेकअप वीडियो पे, तो मैंने इस वीडियो में उस वीडियो को भी इंक्लूड किया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे कि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना CTM रूटीन कर लें। CTM का मतलब होता है क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। तो अब हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगी पॉन्स का बेबी क्रीम। इसकी प्राइस है 67 रुपीज़, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है। बीबी क्रीम को हम डॉट डॉट करके अपने फेस पे लगा लेंगे। इस बीबी क्रीम में SPF 30 भी है जिससे कि ये आपके सनस्क्रीन का भी काम करते हैं। मैं यहाँ पे फिंगर्स से ब्लेंड कर रही हूँ। जब भी आप कोई भी फाउंडेशन, सीसी क्रीम या बीबी क्रीम को ब्लेंड करें तो हमेशा ऐसे डाइविंग मोशन में ही ब्लेंड करें, तो इसको रब करके ब्लेंड नहीं करें। बीबी क्रीम को गर्दन पर लगाना ना भूलें जिससे कि आपकी स्किन अनइवन ना दिखे। डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए भी हम बीबी क्रीम का यूज करेंगे। इसको भी ऐसे डॉट डॉट करके अपने अंडर आईज पर लगा लें और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि पिगमेंटेशन ज़्यादा है वहाँ लगा लें, लिप्स के कॉर्नर पे, नोज के कॉर्नर पे। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। मैं बीबी क्रीम अच्छे से ब्लेंड हो चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए तो आप इसका यूज कर सकते हैं। हमारा बीबी क्रीम बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। अब इसको सेट करने के लिए मैं यूज करूंगी लैक्मे का रोज पाउडर जिसमें कि मेरा शेड है 02 वार्म पिंक। ये कॉम्पैक्ट भी SPF के साथ ही आता है। हमारा बीबी क्रीम बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं यूज करूंगी मेबलिन का ये कोलोसल काजल। काजल लगाने के बाद उसको स्मज प्रूफ बनाने के लिए हल्का सा ऐसे कॉम्पैक्ट पाउडर ले, हम बिल्कुल थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लेके इसको बिल्कुल हल्के हाथों से अपने अंडर आईज पे लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा काजल फैलेगा नहीं और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। नेक्स्ट मैं यूज करूंगी मेबलिन का हाइपर कलर मस्कारा। अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए मैं सेम मस्कारा को लेकर अपने आईब्रोज पे लगा लूंगी। मस्कारा से आईब्रोज को सेट करने का एक एडवांटेज ये होता है कि आपके आईब्रोज अच्छे से सेट हो जाते हैं और ये वो इधर उधर नहीं जाते। मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिया। अब लास्ट स्टेप के लिए मैं यूज करूंगी मिस क्लियर का ये सॉफ्ट मैट लिपस्टिक जिसमें मेरा शेड है 07। तो मैंने लिपस्टिक अप्लाई कर लिया। आप चाहे तो अपने लुक को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए कोई भी मैट न्यू शेड का शेडो लगा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लाइट ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ।
ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी हो तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, इससे आपका लुक थोड़ा सा और इनहेंस हो जाएगा। तो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आपको ये लुक पसंद आए। अगर आपको ये लुक पसंद आता है तो इस लुक को क्रिएट कर और इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके मुझे टैग करना ना भूलें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी एक छोटी सी सब्सक्राइबर है सौम्या, उन्होंने मुझसे बहुत ही रिक्वेस्ट किया था कि मैं चिल्ड्रेन मेकअप लुक क्रिएट करूँ, तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि बाबू बच्चों को मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो ऐसे ही बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। फिर भी अगर आपको मेकअप का शौक है तो आपको फेस मेकअप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो उस पर मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फाउंडेशन या कुछ। आप चाहे तो काजल, मस्करा और लिपस्टिक और आईशैडो लगा सकते हैं, आप चाहे तो ब्लू हेवन, लैक्मे, मेबलिन कोई भी ब्रांड का लगा सकते हैं, ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपको पसंद हो, जो आपको मिल जाता हो वही आप लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ उसने वो ब्रांड लगाया तो मुझे वही लगाना है, आपके एरिया में जो भी ब्रांड मिलता हो आप वो लगा सकती हैं। बच्चों के लिए भी आजकल बहुत सारे आई शेडो आ गए, छोटे छोटे होते हैं तो आप उसको भी ले सकती हैं। ब्लू हेवन में बहुत ही अच्छा पैलेट आता है बच्चों के लिए, तो आप उसको ले सकती हैं, और आप जहाँ पे रहती है वहाँ पे वो मिल भी सकता है। बाकी आपको मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरी अगले आने वाली वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जल्दी ही मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।